पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पर उसमें तो उसका वो नशा हो सैन्य का छोड़ देखी जाएगी कि यदि किसने देखा ये और भी तलाक उसके से और भी कर्म इन बतेरे वहां पर मिल गए। अब जब वह पूंजी खत्म हुई, समय खत्म हुआ तो धर्मशाला वालों ने, सराय वालों ने कमरा ले लिया वापस। न बोला भाई चाल थारे सेठ ने इतने दिन के पैसे जमा करा रखे और ये अवधि दे रखी थी, अब हम एक मिनट नहीं रखा, तड़के अपने गुदड़ा ने ठा ले जा। अब सुबह नहीं ठाया उसने, ठा कर उनके बिस्तर बार बगा दिए, क्यों पैसा दोनी रही नहीं। अब वो दोनों मुंशी वापस आते हैं, एक तो जो कमाई जोड़ के और समय समय पर सेठ के पास भेजता रहा, और एक भगत जी नीची नाड़ करें आवस किराया भी मांग के लाया होगा पड़ोसियां आकर। सेठ ने बोला हाँ भाई हिसाब दे भगत जी मुंशी, अब हिसाब के में ले रहा होता दे नीची नाड़ कर ले। अगर पैसे ले गया था वह किस वो करड़ा करड़ा बोला, जब ने बोला मन तक खर्च दिए, न बोला भाई अब तेरे बाप की पूंजी ना थी या पूरी करनी होगी, चल पलदार लाग जा मेरी पूरी कर दिया तुम छोड़ूंगा, यानी मुंशी पद से हटा के पल्लेदारी का काम दे दिया, और जब छोड़ूंगा जब मेरी यह पूरी पूंजी कर देगा अड़ कर बेटा काम, और दूसरे को जो है तरक्की दे दी और मुंशी रखा और साथ में और भी व्यापार दे दिया। तो भाव ये से कहने का कि महाराज भी कहते हैं, कई संता का भी एक शब्द आते हैं कि छोटे सेठ की पूंजी को ना या मुल की लाट पे तैली नी, या को मामूली की पूंजी को ना मनुष्य शरीर और सांस कदे न सोचा छोटे मोटे साहूकार पे ले रहा और दब डका दिए कौन दंदा ना उड़ा तो बक्कल तारेगा और भाई पूरी करवाओगा। फिर वो जाकर यहां से जो बिना कमाई नाम की किया हुआ जीव जाता है तो उसको ये धर्म राय काल नो कैसे बेटा हुआ पूंजी पूरी कर मेरी, अरे गधा बन जा कुत्ता बन जा गधा कुत्ता, और इन दूसरी दुनिया भेज देता है मनुष्य रूपी मुंशी आड़ी सीट नहीं देंदा। तो ये सतगुरु कबीर साहब और गरीबदास जी का प्रमाण सुना। तो कहते हैं कि द्वादश वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करा, तरुणी नारी से गरबारी तू चल्या मूल गवा। फिर कहे रातों सोए जन्म बिगोवे धोंदी खेत कमा, और भाई बिना बंदगी बाद बहत तेरा जन्म अकारथ था, बिना नाम के बिना ईश्वर स्तुति के और तेरा यो जन्म अकारथ। अकारथ कहते हैं जो कति किसी काम ना आवे। फिर कहा कि काले काग गए घर अपने बैठे सेत बुगा, अब अधेड़ उम्र होगी आधे से ज्यादा सफेद बाल होगे, अब भी चोट नहीं बन रही के तू लवे लाग रहा से, रोजाना एक कदम अपनी मौत की तरफ अपनी स्यात की तरफ हम रोजाना जान लग रहे, पर भय नहीं मान रहे। भय उसने माओ मानेगा जिसने सत्संग रूपी गंगा में आकर अपने अंतःकरण को धो रखा होगा। उसको रात दिन चोट रहेगी कि एक दिन और गया भाई, और अजगर रूपी मौत अजगर रूपी काल तेरी सात नो मुंह बाएं खड़ी सह के एक बार जाइयो समय और जब गड़प दूंगा, और हम एक दिन रोजाना उसकी तरफ जा रहे हैं पर भय नहीं बनता गात में। तो सतगुरु महाराज कहते हैं बीरा बहुत गलती पर है, ख्यास कर ले ये सदा नहीं रहे, जिसने तू सत मान रहे कति असत्य। तो कहते हैं काले काग गए घर अपने बैठे सेत बुगा, और जाड़ दांत तेरे उखड़ गए या जीव गई तो तड़ा। जब जाड़ दांत नहीं रहेंगे ना, जब कहेगा कि मेरा गिलास लाइए और गिलास की कंधे और एक राछ लाइए, वो पोता छह बबू जा राछ के एक राछ लाऊं अलग गिलास को छू, जब उसका समझ में आवे गिलास कह है कि मैं राछ कैसे, अर्थात वह जीव है क्योंकि दांतों की विशेष व्यवस्था से वो पूर्ण शब्द उच्चारण होते हैं क्योंकि इनके साथ मिलती हा करके। तो महाराज कह जाड़ दांत तेरे उखड़ गए या जीव रसना गई तो तड़ा,
और भाई जम किंग कर तेरे शराने बैठा यू खर्च कर दे का खा। वह एक हफ्ता पहले मंडरान लाग जा कर घां बेटा गिण ले साथ सेट देसी और दिखते से नहीं। और वो बिनो कहा रमरा तक कि मैं घर तो मोह साठता जा रहा सर और मन तक कि मैं अच्छा नहीं लगता किमे भी क्यों आके एक आधा सुआ ला जा बीच में रात ने दिख जाएंगे कदे दिन में वैसे घबराहट सी कर देंगे। तो कहते हैं जम किंग कर यम के दूध तेरे सरहाने बैठे खर्च कदे का खा और रसना बीच जो मेख मार दे फिर सैना दाम बता। तेरी जीब पे आंदे ही वह यानी मेख मार देंगे तेरी जुबान बंद कर देंगे। तो कहते हैं फिर क्या होगा जबान जैसे मरता है ना कोई उसकी जबान बंद हो जाती और जबान बंद हो जाने के बाद सांस खींच खींच कर लेता है तो क्या होता है बच्चे आसपास आ बैठेंगे बाबू तो मरण लाग रहा से और नो कहेंगे पिताजी 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 वो बोलिया जा उसका भीतर लाग रहे मोगरे ठोकन और टट्टी पेशाब निकल रही उसकी डरते की और घना ठाडे बोले जब एक बाख्या नो करा कर और फिर वो उनका घना बोले जब नो बोला नो करन लाग गया खोल के हम उन्हें सोची कि पिताजियां दौरे सुनिया था कि घना धंस है अरे बताना चाहे है पर बता नहीं पानता कोई इसका इलाज करवा दे। कहते एक डॉक्टर ऐसा था वैद की एक दवाई दिया करता जिस तय वो 500 रुपए ले था सांस नहीं बढ़ा सके था जितने 2-4-10 सांस रह रहे थे उस समय उसकी जीभ ने ठीक कर दे था वो बोल सके था कुछ अक्षण के लिए। उसने लाए बुला के गांव में था जो बोले मारा पिताजी मरे से एक बार बुलवा दे और कुछ पैसे उसने बहुत दावे रखे बताना चाहे पर बोल नहीं सकता। वो गया उसने पुड़िया प्यादी भीतर जानते हैं वो एक बार ने उठा उठ कर बोला पिताजी जल्दी बता दे किस ताई कि दाब रखे किसको दे रखे। तेनो बोला रहा मैं तो नो को था यू बछड़ा झाड़ू खास है बछड़ा झाड़ू चाबे था अरे इसने छुटवा लो बेटी के बाप की तुम गे तुम नाश करोगे के। तो बुछोरे ने बोले तन्ना कर दिया नाश तो या चारान्या की झाड़ू और 500 पड़गी मारे तो जांदा जांदा भी संवार गया। भाव ये सह के मरते आना हमने माँ बाप की चिंता नहीं बुढ़ा हो रहा अमरनाथ सह पर कहेंगे कि मैं और झाड़ा ले रहा हूं तो वो दे जा। महाराज जी कहते हैं कि घर के प्यारे आदमी तन चलते लेंगे लूट जिनके ऊपर तू राजी हो रहा है। तो इस प्रकार कहते हैं कि यम किंग रसना बीच जो मेख मार है सैनो दाम बता फिर इशारों तो घर में धरा हुआ धन बताएगा। फिर क्या बताया सतगुरु महाराज ने कि कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो दीन्या ठोक जड़ा। अब नो कहेंगे उसकी गति कराए बंदी छोड़ने का है गति कड़ा दुर्गति तो शुरू होगी उसकी कभी गधा बनेगा कभी कुत्ता बनेगा कभी सुअर बनेगा कभी बैल बनेगा पता नहीं कितने जिस जिसके ले रहा है सबके पूरे करेगा। और जब उसकी फिर कदे लाख वर्ष में 5000 वर्ष में फिर मनुष्य दुनी मिलेगी मनुष्य जन्म मिलते ही फिर वो है प्रक्रिया जैसे कि आज हर मनुष्य जाति वाले में हो चुकी है कि भी बच्चे ना हुए जब दुखी हो गए जब दुखी और ना ब्याह ना गए जब दुखी ब्याह पाछे ने सोचा छोरी ब्याह दी ने फ्रियाम हो गए और लड़की का लड़का बालक ना होया जब रात ने नींद आनी बंद हो जा माँ बाप ने। तो इस प्रकार वो इतना काल पा जासे कि मर जाएगा पर इसके सिर पर तो सोमन वजन नहीं उतरता ये सतगुरु महाराज के। पर हम इस सोमन वजन ने खेचन के आदि बन गए अभ्यस्त हो गए इस दुख को हम दुख है नहीं समझ रहे मर गया तो भाई मर्याए करें 6 महीने रो पीट कर फिर सबर करेंगे दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। तो महाराज कहते हैं इस काल ने इतना गजब व्यवस्था बना रखी है कि इस जीवन आंख नहीं खुल जाए इसकी आंख खुला करें पूर्ण संत कबीर साहिब की शरण में जो उनका सत नुमाइंदा होगा सच्चा नुमाइंदा सत मार्गदर्शक होगा उससे नाम लेकर के और फिर आप देखो आपको सुख भी होगा आपकी जो भक्ति भी बढ़ेगी और आने वाला समय आपका सुखदायी होगा परलोक सतलोक प्राप्ति होगी। कहते फिर पीछे तू कुल के लोग जंगल में लेके दीना ठोक जरा फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना भाई 4 पैर जंगल में डोले तरा तो नहीं उधर भरा।
बैल बन जाएगा। एक तो देखो हम सारी चीज खावे, भाई हलवा भी खा लें, पूरी भी खा लें, चाय भी, दूध भी, और भी सेब भी, किशमिश भी, सारी चीज खाते हैं। पर नो कहें जब ये जन्म नहीं रहेगा तो पशु जुनी में जाएगा, उस समय ये नहीं मिलेगा कि तो बैल बनेगा। तो कहते हैं चार पैर जंगल में डोले तरा तो नहीं उधर भरा। अब तो सुत्या उठते रोटी चाहिए से घंटे दो घंटे पाछे जरूर मांग लेगा, उसको भी भूख लगती है पशु को। और हाड़ी जब अच्छा तेज काम करने का समय हो से, भाई तड़ाके की जो सीजन आता है बुआई का, उस समय कई बार हाड़ी थक जैसे सुबह उसको चारा नहीं डाल सकता। और नो सोचे से खेत में ही बा जाएंगी, भाई थोड़ी सी देर में रोटी जब उसके साथ चारा आवेगा वहां खुआ दूंगा। वहां नो दिखेगा रे माड़ा सा ही मच्छी करके ले काम न, और कदे ये रह जा बिना बोए और बात बिगड़ जाए, पूरा उसका जल्दी जल्दी डंडे डुंडे मार कर अच्छा काम लेगा। और उसका जी करेगा क्यों आज भूख लाग रही से, आस पास हरी भरी खेती होगी, भाज भाज कर न्यो खाया कर, मुंह मारन की कोशिश करता है हाड़ी उसका जो है जेवड़ा खेचेगा और ऊपर तक डंडा मारेगा, चल सीधा आख्या में का पानी पड़ता है और भूखे न चलना पड़ता है। इतना हम सत्संग मानते हैं भी नो शर्मावा संग देखांगे उड़ा के सत्संग लाग रहा है रोज का काम से। तो हम रोज का काम रोज करें से, घर में भी रोटी रोज खावा, जंगल पानी रोज जावा, नहा धोई करें, काम वही करें, झाड़ू का, बुहारी का, गोबर का, एक दिन भी आलस नहीं मान दे, पर राम नाम में जरूर मान जाएंगे। इसने तो हम एक वैसे रिजेक्टेड सा काम समझ रहे हैं जो कि एक नंबर पर चाहिए था। और इस तरह हमारे वो सौ काम सरेंगे जो कि क्युकरे भी सूत में नहीं आते, जिस काम ने बारह गामा की पंचायत नहीं सुलझा सकती उसको बंदी छोड़ एक मिनट में सुलझा दे, इनमें वो शक्ति है। तो इस प्रकार हम असली आश्रय को भूलकर नकली आश्रयों पर आश्रित हो गए, जिसकी वजह से हम दुखी दुखी होते जा रहे हैं, सुखी नहीं हो पा रहे। तो फिर क्या हुआ कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, भाई चार पैर जंगल में डोल तरा तो नहीं उधर भरा। सर पर सींग दिए मन बोरे दूम त मच्छर उड़ा। अब मच्छर लड़े ना आध घंटे तक, उस मच्छर के लड़े हुए स्थान से हाथ नहीं हटता, न्यू खाज करें जावांगे, फिर बोर्ड क्या करेंगे, फिर उसको यानी जब तक वो शांत नहीं हो लेगी अंदर जो जहर उसका मच्छर का था, तब तक हम उस पर हाथ रखेंगे। और कहें जब बेराना कितने को मच्छर लड़ेंगे, अब तो हम टिक्की का प्रयोग कर लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, पंखा कूलर का प्रयोग करते हैं। फिर महाराज कहें ये असुविधा तुझे हो जाएगी, मनुष्य जन्म भी नहीं रहेगा, और मनुष्य जन्म नहीं रहेगा तो ये सुविधा भी नहीं रहेगी। तो कहते हैं सर पर सींग दिए मन बौरे, भाई धूम ते मच्छर उड़ा, धूम कहे पूछड़ ने, और फिर कर्महीनता के कारण मेरे जैसे निर्भाग की वह भी कट जाया करे किसी में आके, और फिर एक बिलांत की ने न्यू कराया करो, क्यों कोशिश दर्द तो मच्छर का, मक्खी का, तलील का, चीचड़ का, ज्यो का त्यों बना हुआ है, पर वो उसको हटा नहीं पा रहा। तो महाराज कहते हैं बंदी छोड़ ये दुख बेटा तन होंगे, मान चाहे मत मान। अब जिसने मान लिया, जैसे बचपन में ज्ञान दिया जाता था कि भाई तो अच्छा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा, उसको सुविधा होगी, अच्छी नौकरी होगी, तनख्वाह होगी, कार होगी, कोठी होगी, नौकर होंगे, मुंह में तो जो वस्तु कहेगा वही उसको उपलब्ध होगी, इतना सुख होगा किसको जो 12 13 14 साल अच्छी तरह मेहनत करके पढ़ाई कर जाएगा। जिन बच्चा ने इस बात को सत माना और उस सुनी हुई बात को कैसे सुख होगा ये लोभ किया, तो आज वो व्यक्ति, वो भगत, वो अपना ऑफिसर बनकर वो सुख भोग रहे। और जिन्होंने काना पर घटाला देखी जाएगी किसने देखा सो, आज वो पल्लेदारी, पाली, जमींदारा, और भी मतलब भाई किसी का मेहनताना मजदूरी आज वो व्यक्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार जो आज सत्संग में बताई गई बातों के ऊपर उस बच्चे की तरिया पूर्ण विश्वास कर लेगा कि जो मार्गदर्शक है यू कोई बालक नहीं है,
और ये बता रहा सही ये बात हमारे फायदे में है, कहूं तो बता नहीं रहे ये। तो ये विश्वास करके जो आज अमल करके इसको पूर्ण रगड़ा ला देगा तो वो सुविधा होगी जिस प्रकार पहले उन स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को बताई गई थी, उनको हुई। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये दुख होगा तुझे, सिर पर सींग दिए मन बोरे धूम त मच्छर उड़ा, और कंद जुआ जोत कुआ, फिर कौंदों का भूसका, कौंदों का यानी जौ होते हैं, जौ के तूड़े में इतने बड़े बड़े तुस वह सुए से होया कर, और पहले गाया करते वैसे पाए आते हैं टेम्परेरी सा, और उससे तो गवाया करते और कौन सा और गाव था, वो पहले तो पायन फोड़ते उसके आने, और फिर वो खांदा जब मुंह न फोड़ते, अरे वो कित गई मैं सी रोटी गी मैं किच करके खाया करता, अलवे खाया करता, शराब पिया करता, पूरी होगी तो इस प्रकार। और वो तस्क जब खाया करता फिर उसके मुंह न फोड़ते, आंख्या में का पानी पड़ता, भूखे मरते ने खाने पड़ते। इसलिए बंदी छोड़ कबीर साहेब गरीबदास जी व सर्वसंत हम ये मार्ग दर्शन करते हैं, बीरा दोगड़ी भगवान भी बजा करो, देखियो समय बार बार नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं फिर पीछे तू खर की जाएगा, खर कहते हैं गधे को, कुरड़ी चरने जा और टूटी कमर पजा व चढ़ तेरा कागा मांस किला। अब ठीक है कि फिर तू गधा बनेगा बीरा, और देखो कितना दुख होता है एक पशु के एक दिन की दिनचर्या आप देख लीजिए, कालजा बाहर खड़ा हो जा कर एक बिलात कालजा खड़ा हो जाता हमारा तो हो जा भाई और काम कंधे नहीं। पहले तो हम भी नहीं ज्ञान था, कुछ भी कह दिया करते, जब जानकारी होगी जब इन्हों पता चल गया कि यह आग फूक देसा ही बात कोई ना लानता, तो वो गधा जो है नीचे तत ले जाएगा कच्ची ईंट पजावे पे, और बहुत ऊंचाई पर चढ़ना हो सके कई बार पैर फिसल कर सदा बोरा गेड़े काटा कर पड़ जाता है बेचारा, फूट जाता है, बहुत दुख पावस है। और ऊपर जाकर फिर पक्की ईंट ले आकर नीचे तारेगा, एक सेकंड की भी उसको फुर्सत नहीं मिलती। इबता हमने कहा सा भाई फुर्सत नहीं सत्संग में जावन की, किसी ने कह दे भाई टेम नहीं से, पहला फुर्सत का आकर ते भी टेम कहन लागे, टाइम कहन लगे भाई समय नहीं है, तो यह फुर्सत तो भाई काटनी पड़ेगी, पर फिर कदे नहीं मिलेगी। ईब तो मिलगी सो मिलगी थोड़ी बहुत, फिर कति नहीं मिलेगी। एक भगत था उसको एक सत्संगी ने कहा करता कि भाई आजा सत्संग में, चाल दो घड़ी भगवान की चर्चा सुनावा, नो कहता भाई फुर्सत कौन, छोटे छोटे बच्चे इन को नहीं छोड़े जाते, काम मेरा सारा चौपट हो जाते हैं, तो फालतू सा आदमी समझदास सत्संग में, तने तो नाश करना अपना कर ले, अरे कुमानते कुमानते पूरा ना पटता, तू नो का सत्संग में चाल। यानी पांच सात बार कहा रख ले, पांच सात बार कहा पर ना मान्या, उसका दो चार साल पाछे देहांत हो जा, जो नो का करता फुर्सत नहीं। और ये तो हमारे दो तीन साल के पीरियड में भी हमारे सामने ऐसे भगतन चले गए जिनको हम बहुत समझाया करते पर नाम लेने की रुचि नहीं बनी, और पता चला रहो तो मर गया फलाना भाई, परसों पता चला भाई वो मर गया, फिर पछतावा बनता है कि उनका कसूर नहीं, उनके माड़े कर्म उसको इस तरफ लगने नहीं दे थी। चल जितना समय था दो घड़ी ईश्वर याद कर जानता, कुछ तो गेल जा हो, अरे जो का तो जा खड़ा हुआ, तो वो शरीर त्याग गया जी, नो क्या करता मनो फुर्सत नहीं। अब उसकी ठाक है जनाजा चले उसकी लेकर अर्थी शमशान घाट की तरफ चले, तो वो भगत भी जो कि सत्संगी था ईश्वर उपासक था वो भी गेल हो लिया। अब और तो कहे हैं भाई राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत है, और वो जो कह दे आज भाई ने फुर्सत है, वो फिर बोले राम नाम सत्य है सत्य बोले गत है, वो फिर नो कह दे आज भाई ने फुर्सत है। एक ने बोला रे तू अच्छा बेकूफ से सूर बोले ने, नो बोला इस तो सुथरा और के बोलू, इसने मैं रोज नो कहा करता रे भगवान के नाम पर दो घड़ी चला कर, यो नो कहा करता मैंने फुर्सत को नहीं, आज इसने परमानेंट फुर्सत होगी,
और जिन बच्चों को नौका करता भूखे मर जाएंगे, मेरा बिना काम नहीं चलेगा, और उनने भी छोड़ चला। तो इस चौंद ने तोड़न खातर सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। देखो काम में कति आंट नहीं लगती है हमारा भूल से। हम होका पीवे हैं, एक होका पीने वाला एक बर के होके में आध घंटा कम से कम खर्च करे, कम से कम। और चमाशा में तो डेढ़ डेढ़ घंटा लाग जाए उसका, पहले जो है ना आग धरेगा, क्यों आईसी सिलगी पावे थोड़ी बहुत कसफरी ही धरेगा, फिर मारा गुड़गुड़ घड़िया आंटी ला गया रहेगा, नहीं सोचे छलगेगा, वो ना छलगा उसने फेर धरेगा और बनाओगा फू फू आख्या में धुआं पड़ता है, फेर धरेगा, फिर देखेगा आनंद नहीं आया, दूसरा फेर भरेगा। क्यों आनंद जब आओ जो भीतर थे इसकी बात जगह पूरी हो ले, हाँ ये भी तू छक लिया खूब अच्छा। वो मनमाना चाहे एक घंटे में फैसला उसका रोकेगा, चाहे डेढ़ घंटे में हो जब वो काम लागे। अरे एक भगत जी ने कहता मैं 20-20 होके पिया करता, रात ने 10 होके थे मेरे, कि रात की इतनी बड्डी हो है, कहता उसने बोला मैं रात ने सोया नहीं करता, लोग ने कहा करते रहे तेरी सारी रात गुड़बड़ाटा ना बंद होता, वृद्ध हो रहा था है अभी वो मनोहरपुर गांव का बूढ़ा, जब उसने ज्ञान होया तो कति छोड़ दिया, पाठ करवा लिया, उसके बच्चा ने भी नाम ले लिया। उन्होंने बोला जी कति मतलब 80% स्वर्ग तब ने इब्बा हो लिया जिस दिन धोखा छोड़ दिया से। जब इतना सुख अरियो में छक पचलिया को भगवान आके नो कह दिंदा ना कि तुम भाई ओका छोड़ दे, मैं जब नहीं छोड़ू पर ही बेरा ना के मन में रुचि ना बनती। पड़ोसी ने भी धमका दू देख भाई ओका पीना अपने घर ने पी, ऊन लाड करने मेरे दुराजा बैठ दोगड़ी भाई प्यारा समझा तो ओके प्यारा समझा था ओके नो कह लग गए बोला तू मेरा और अच्छा हम तो भी फिर आना बंद करांगे। मैंने बोला भाई 360 रुपए तुमने फिर मेरे प्रेम के था, तन तो मेरे कड़ुए तुम्हारा खुद प्रेम था, वही मिला कोई नहीं। तो भाव ये सह कि अगर प्यारा होगा तो आवेगा, वो कित प्यार से तो तेरा प्यारा भी नहीं से। कई नौ का बैठक बिगड़ जाएगी या बैठक तो आदना काल बिगड़ेगी, कुत्ते बनकर गड़ी मान डांगे जब बैठक बिगड़ेगी, और वह बैठक में गेल होका पीणिए वह भी उड़े कुतरू बनेंगे, वह सब तो पहला क्यों बोधा कुतरू बन गया तो कान पाड़ेंगे गोड टूक का ऊपर जब तक नौके तो भर ले कड़ुआ होका। तो भाव ये सह कि इसको ये कर यथार्थ तो समझांगे संतान की बात ने तो विकार जाएंगे झूठ, और हम इम समझेंगे इसने झूठ तो फिर कड़ मतलब इसमें जो है ना सिर फूटे फूटेगा अगर जितना दुख पशु को होता है। तो इस प्रकार भैया फुर्सत फिर पशु बने पाछे भी ना मिले, फिर तो कति नहीं मिले। क्यों अड़ छोड़ते छोड़ देगा अड़ी तो फिर चीचड़ खांगे, कलील का दुख, माखी और माछरा का दुख, तो बहुत कष्ट होगा। चमासे में चोरी में पड़ना और पानी गारा में गाड़ी गोडे गोडे गारा में खींचनी, तो ये तंग बाग ये दुख हमने क्या कई बार भोग रखी, आज पहली बार नहीं। जैसे उस दिन शुरू वाला दिन बताई थी कि कोट जन्म तू भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, तो कुकर कुत्ता सुकर शुअर खर गदा, कुकर शुकर खर बया बोरे कि कौआ हंस बोगारे, क्या कितने जन्म भोग लिए, एक थोड़ा सा सुथरा जन्म मिला। और इसने हम अपनी होशियारी अपने आप में बहुत जानकारी बना लिया, सा दो चार को सुन दिया कि भगवान निर्गुण है भगवान निराकार है, चार बात सुन दी फिर बोलन दंदे नहीं दूसरे ने। ये दो दिन के खेल से संता ने जो मार्गदर्शन करा क्या उसको अच्छे ढंग से सुने विचार करे, फिर ये सत्य 100 का 100 सत्य, चाहे हमने वह सारी झूठ लागती हो पर ये सत्य। हमारी बुद्धि कहां तक काम करे से, बुद्धि क्या चीज है, एक कंप्यूटर का काम करती है, जितना मैटर हमने इसमें भर रखा सुन सुनाई थे, अपने जैबर बटन दाबोगे वो रिजल्ट कंप्यूटर उतना ही देगा। इसी प्रकार उसमें दूसरा मैटर जब बदल दिया जाएगा तो वो अपने आप रिजल्ट भी बदलेगा। तो हमने जितना भर रखा से उस तय फालतू बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती जब तक हम पूर्ण ज्ञान नहीं उसके अंदर और डाल देंगे। तो कहा कि फिर पीछे तो खर की जगह कुरड़ी चरने जा, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मास गिला, बोरिया तो वह कड़ फूट जा कमर और कुमार आंते तार का बोरा एक ठोकेगा कूड़े पर डंडा। नुका चल छक्का कुरड़िया में उड़ा काग कौवे पाओगे बैठे, और उसकी उस टूटी हुई कमर के ऊपर हमने बैठे देखे कौवा गदा देखे एक बार नू करके नू कर फिर भूख लाग रही वो खावे, और काग की तो डाक रहे ना थोड़े बहुत करण थे, वो तो बहुत टेढ़ा पक्षी है, कति मतलब दोहरा जो कति पढ़ ले गदा जब तक बेसिक थोड़ा हन्यू हो जा ना हटे नहीं करे।
तो ये कष्ट अपन बहुत भोग लिए। तो इस प्रकार उस आगे कहा कि सुखदेव ने 84 भुगती कहां रंक कहां राय, और ऐसी माया ना राम बलि की नारद मुनि भरमाए। नारद मुनि तो बहुत बड़े संत हैं और ईश्वर के बहुत नजदीक हैं, और उसका भी सागदी गेट बनाया था भगवान विष्णु ने कि वो उसकी अब अभी सुनाएंगे आपको कथा। अच्छा, इससे पहले सुखदेव ऋषि जो कि बहुत बड़े योगी हैं, उन्हें अपनी आत्म कथा बताई थी कि एक बार मैं गधा बन गया और वो भी अंधा एक नाले में पड़ गया। कुमार ने दिया छोड़ मेरे मालिक ना, और वहां पड़े पड़े ने को काढ़निया नहीं आया क्योंकि गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो नाला था, फंस गया। एक्का दुक्का आवे वो काट नहीं सकता, उस पर लकड़ों भी नहीं, विचार करे भी तो निष्फल। मेरे ऊपर पार रखे और चला जा, यानी पुड़ी बना ली। 7 दिन में मरिया। अब मुझे वो दिन याद आवस है भाई, मैं एक सेकंड भी नहीं। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ वो। अब तू क्या इसे बड़े ऋषि की याद रुकती, तू कौन से खेत की मुड़ी रह, नाम लेकर अपना को बच छोड़ दे, सच्चा रास्ता पकड़ा ले। एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया कि मन ने माया जीत ली। विष्णु भगवान दो रह गया कि महाराज मन माया जीत ली, अब बहुत अच्छा करया बेटा। अब विष्णु जी ने सोचा कि छोरे में था लड़के में अभिमान हो गया, क्यों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, और ये तीनों भाई से ब्रह्मा विष्णु महेश, आज आपको हम बताएंगे यथार्थ सृष्टि रचना, जो कि सारे शास्त्रों को मिलावेगी, सब पुराणों को मिलाओगे, जिसमें गथोड़ रख्या सारा सामान, यानी वो गदला रख्या है, ज्ञान उलझ पुलझ कर रख्या। वो बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी ने बिल्कुल सत ज्यों का त्यों बना रखा है, पर इन माँ आखिर में जाकर ना समझ माए जब ना पे जोड़ रखा अपने हिसाब, वो गलत से। तो वही विष्णु भगवान ने सोची कि इसमें हो गया अभिमान, अभिमान रू बिगड़िया, क्यों चार जबान सिद्ध हो जाए, मेरा कर्ण तन्यो हो गया, ओ हो मो तो सिद्ध बन गया, और 10 सत्साहब करणिया आ जाएंगे कि ले भाई तेरी तो चौधर, ये सब तो पहले लेकर डूबण का काम से, यो अभिमान करे बिना रह ही नहीं सकता जीव का, यो काल ऐसी व्यवस्था है। तो फिर क्या हुआ, नारद जी से कहने लगे भगवान विष्णु कि भाई नारद जी चाल, अगर चलना चाहता है तो मैं दूसरे लोक में जा रहा हूं। नारद जी ने सोचा तू अड़ बैठा बैठा के करेगा, चल भगवान गेल घूमया, तो वहां चला जाता है। रास्ते में जाते जाते एक बहुत बड़ी नदी आवस है, बहुत सवत जल की। भगवान विष्णु कहने लगे भाई नारद जी आप यहीं खड़े हो, मैं पानी पी का आऊं, मैं जल पीना चाहता हूं। तो नारद जी कहने लगे महाराज जी जल मैं लाऊंगा आपके लिए, अब भर लाऊं करमंडल, आप यहां खड़े रहो महाराज, मेरे होते और आप ऐसे पी काओगे, पर भाई एक काम करिए स्नान करके लाना ना के और फिर भर के लिए। अच्छा जी, अब क्या किया कि नारद जी ने अपने कपड़े उतार के नदी में छलांग लगा दी स्नान करने के लिए, और जो ही बाहर आए नदी से एकदम सुंदर लड़की का रूप बन जाता है, और भूल जाती है कि तू कौन था कहां से आई है। उसी नगरी का राजा टहलता हुआ शाम के समय वहां आ जाता है, एक बहुत युवा लड़की खूबसूरत को देख के राजा उसके पास जाता है, कहता है कि सुंदरी तू यहां कैसे। वो कहती है जी मुझे मालूम नहीं, मेरी यादाश्त काम नहीं कर रही, मैं कौन सूर कहां से आई सू। इतने सुंदर रूप को देख करके राजा ने सोचा कि यह बेचारी कहीं और इसकी कोई मिट्टी प्लीत करेगा, क्यों ना इसको अपने साथ ले चलूं। राजा के कई कई शादियां हो जाया करती थी, वो ले जाता है उसको अपनी पटरानी बनाता है, बहुत सुंदर थी। कहते हैं गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि बेहतर संतान हुई नारद जी से बनी हुई सुंदरी के, वरद होगी बहुत फूली नहीं समावे, खुली खुली खूब मेरी बेहतर संतान। फिर क्या हुआ कि वो मरनी शुरू होगी, एक साल में 2 मरी, अगले में 3 मरी, अगले में 4 मरी, फिर एक राजा ने झगड़ा कर दिया, वो सारी खत्म हो गई।
पति भी गया। अब वो पागल की तरह अपने बाड़ों को पाड़ती हुई नोचती हुई बुढ़िया धोड़े बाल और नुसोची तो जी का करेगी के जाकर के नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी से और उसमें छलांग लानते हैं। फिर नारद जी लकड़े हैं नारायण नारायण करता हुआ और विष्णु भगवान सामने खड़े खड़े मुस्कुरावे हैं। न्योके हैं भाई नारा क्या नाम है नारद जी तनता भाई कति प्यासा मार दिया रहा इतनी आण का काम था यो इसका अच्छा था मैंने पी लो पानी। अब नारद जी सोचे यू के पंगा होया अब तेरे जी ने के साका था कभी तो बुढ़िया थी तेरे बालक थे कोड को बदोगी फिर वो जानेंगे। विष्णु भगवान ने बोला रन्यू क्या था मन माया जीत ली। नारद जी रो पकड़ कर पार छक्कर होया ने बोला महाराज जी छोटी सी बात की ओड सजा ने बोला बेटा या सजा ना दो ना तो कति बर्बाद हो जाता। यानी अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा राक्षस है। अभिमान जो है ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस अभिमान को खत्म करने के लिए हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब ने दंडौत प्रणाम चलाई लंबे लोट के इस अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने का सबसे आसान और उत्तम साधन यही है। इसका अनुसरण कबीर साहब के शिष्य नानक साहब ने सबसे ज्यादा करवाया। नानक साहब की परंपरा में आप जाइएगा दंडौत प्रणाम के बिना वो बात नहीं करते। जब भी गुरुद्वारे में जाते हैं सबसे पहले बहन बेटी सब कुछ और भाई लंबे लौट कर दंडौत करते हैं और संतों को भी ऐसे ही करते हैं। पंत साहब के पंथ में भी दंडौत प्रणाम है लेकिन कई भाई नो कहे हैं कि हमारे पे झोंकया नहीं जानता और यो हमने अच्छा नहीं लगता या सबसे बूंदी चीज ये लगा है कि लंबा लौटे से। आज तो ठीक से भाई अभिमान वश कति नहीं लौटा के आंट लाग रही से कल ने अधरंग मार जाता है टांग टूट जाती है और पड़े पड़े बांगी तो मुंह हो जाएगा क्यों पहले तो शर्म आवत ही लंबा लौटती है ना। अब टट्टी रुपये साहब महा लकड़े बांगी नाड़ करके अरे मांगेगा पानी लकड़ेगा कि मैं मुंह मत उस समय तेरी मरोड़ और या ठाड और शर्म कित जागी बीरा। उन दुखों से बचने के लिए फिर सारी उम्र गदा बनकर लंबी डंडौत करता रहेगा और चलता भी रहेगा। पशु भी बनेगा थोड़ा तेज कर भाई पशु भी बनेगा और दंडौत प्रणाम भी करता रहेगा और बोझ भी ढोएगा। जब इस दुख ते बचना चाहे से तो भाई इब मौका से इस मनुष्य मुरूपी इस माटी का केता अभिमान बीरा और के इसका गुमान जो इससे न सब कुछ मान रहे हैं तो वो कभी सुलझ नहीं सकते। हमने कई पंथी देखे दूर ते अपने जो पंथ में चले हुए नाम का उच्चारण करते हैं और न्यू करेंगे ऊपर ते बस न्यू कर नाड़ ऊपर करते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने उसको देखना होगा कि किस में फायदा और किस में नुकसान है। जब तक हम इस बात को यथार्थ नहीं समझेंगे कि हम इस बिना काम नहीं चलेगा तो हम फिर शर्म नहीं मान दे फिर शर्म खत्म हो जा सके और शर्म जब तक खत्म नहीं होगी इतना भक्ति नहीं कर सकते। कबीर गरीबदास जी महाराज कहते हैं लोक लाज ना कीजिए भाई निर्भय हो रहिए ये मन साधा दीजिए तो गोविंद पाइए। ये मन संतों को दीजिए यानी मन दे पाछा जिस प्रकार गुरु मार्ग दर्शन करे वैसे कीजिए उसमें कोई भी आप थोड़ी सी भी आनाकानी ना करिए तब आप मुक्ति के की तरफ प्रशस्त हो रहे हो। कहते यो मन साधा दीजिए तै गोविंद पाइए भाव सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे भाव सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे और बहोर बहोर नी आवही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित की जय अरिश भाई झूठे जग की लाज में ना ही चत दी जय। ये संसार झूठा है अब यहां तो नमस्कार करते हैं भी हम काली मान है और मारी बहु बेटी गोबर ढोवे सारा दिन जब शर्म की जा यानी बिना हुई शर्म को तो शर्म मान लिया
अपने जो अर्थ वहां क्यों नहीं मानते कि टोटा उनता दिखे, और यहां क्यों नहीं मानते, हम क्यों नहीं मानते हमने ये नुकसान उनता दिखे, हमने इस नुकसान का पता चल गया, उनको उसी नुकसान का पता है कि गोबर भी कुछ काम आवे, गुपले बन जावे, बहुत लाभ देवे। तो इस प्रकार जब हमने यह जानकारी हो जाएगी तो हम कति काली नहीं मानेंगे। कहते हैं यो जग बदला धुंध का मीन है ना डरिए। अब को समाज के लोग कह भी दें सर तुम अच्छे बड़ो तो मुंदे पड़ोसो कहें जा, इनकी नहीं सुने। अब दारू पीवे उसने भी दोनों कहनी पाओ जाएंगे पीण दे तेरे के घर तय पीवे सर, यानी उसको बुरा भी नहीं कहेंगे, फालतू पाओ क्यों द्वारा गुटी वो भी लिया का दी। तो इसी प्रकार यहां समाज की नहीं सुने, अपने गुरुआ की अपने संतों का अनुसरण और मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन के अनुसार चले। तो फिर कहते हैं कि ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए, जैसे धुंध के बादल ते बारिश नहीं होया करें, धुमासा हो जाएगा और कति घुटिया दिखे जाएगा। ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए, और जय मन चावे राम ने तब दस सातन करिए। अब दास की परिभाषा हो सही है, ध्यान तो सुना करो। जब तक हम दास की परिभाषा को नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे, इतना हम दास नहीं हो सकते। नाम बेशक दास तरा ले, जैसे पहले भी बताया था आपको कि एक राजा ने अपना बताया इब्राहिम सुल्तानी, जबकि पहले राजा था, यो राज छोड़ गया था, आगे बताएंगे इसकी पूरी वर्णन आपको। नौकर था, मैंने एक नौकर दास, पहले दास मोल लिया करते, दास लिया, उससे मैंने प्रश्न किया कि भाई तेरा के नाम से, उन्होंने बोला जी दास का कोई नाम नहीं होता, जो नाम आप जिस नाम तक कह दोगे मैं बाज जाऊंगा, चाहे मैंने बूंडा कहियो, चाहे मैंने काणा कहियो, चाहे मैंने कचकोले आला कहिए, कुछ भी कह दियो, मेरा कोई नाम नहीं, आप जो कहोगे वही मेरा नाम सिरोधार्य होगा। फिर बोला भाई के खाया करे, अगदास की कोई इच्छा नहीं होती, जो आप खान ने दे दोगे, झूठा टूक कहोगे वो भी खाकर मैं गुजारा करके आपकी सेवा करूंगा। कहने लगा ये बातों से मेरे अंतःकरण में बहुत खटक लगी। फिर मैंने पूछा भाई तू काम के कर सकता है, अक जी ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप मेरे से के काम लेते हो, मेरी कोई इच्छा नहीं, आप जो हुक्म करोगे मैं वही करूंगा और कुछ नहीं कर सकता। तो कहता मैंने उस बच्चे की, उस दास की ये बात सुनकर आत्मा मेरी रो पड़ी और उसको मुक्त कर दिया कि जा भाई अर ये तनखा ले जा। तो भाव ये कि हम दासा तन नेड़े नहीं, नाम धरा ले दास, और भाई पानी के पिए बिना या क्यों कर बुझ जा प्यास, अर्थात दास नाम है तो दास की तरह ही हमने रहना होगा। दो गाड़ी दे जाना है जब भी हाँस ले अच्छा भाई, और नीच कह देख भाई नीच तो साए और मारा दुरा सह भी के, यानी अगले की 90% गुस्सा उसी समय समाप्त हो जा। हाथ जोड़ ले भाई जो कर कहेगा न्यू कर लेंगे, तो वो मतलब समाधान है। और थपड़म थपड़ा लट्ठम लट्ठा गोलिम गोड़ा होकर फिर मानसाते ही मर जाएंगे, आखिर में फिर वही समाधान है, हाथ जोड़े राजीनामे फैसले होया करें। तो महाराज कहें तुम पहले कर लिया करो, अपना पाछे क्यों करे जब नाश भी हो ले, जबकि तभी मानदास सब चार चार आदमी दोनों तरफ से मर जाते हैं, और फिर भी राजीनामा, और फिर भाईचारा दोस्ती होती देखी हमने, तो बंदी छोड़ के हैं। अगर पहले ये भाव आ जाते इतना नाश नहीं हुआ है। तो ये दासातन से बना करे, और दासातन सबसे पहला लक्षण अपने संत का भगत का होना चाहिए। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसी माया नारद, हाँ फिर कहें कि ये जग बदला धुंध का मीन है ना डरिए, जय मन चावे राम को तो दास सातन करिए। फिर कहा कि आथी भय माने नहीं जय स्वान भुकाही, आथी हस्ती कुत्त्या तो नहीं डरदा, जे सबत गांव के पूरे गांव के कुत्ते भौंकते हुए गे लाग लो उनकी तरफ देखता भी नहीं आती, उसने बेरा सह के ये 10 फुट तय दूर रहेंगे तेरे, नजदीक नहीं आ सकते इनका इतना ब्योंच से, और आ भी गए को जल्दी सी करके तो मुंह में पा आवे न दांत गड़े, क्यों इतना सख्त उसका शरीर होता है। और फिर नो दिखे कि एक सूंड मारूंगा तो 10 मरेंगे, इतना निर्भय हो जाता है।
और भोंकते रहो, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ये हस्ती भय माने नहीं जय स्वान भुकाही, भाई सत्संगी संग ना तजय चतराम बसाही। अपना जो प्यारा परमात्मा का है, अपने गुरु के वचनों को, सतगुरु की महाराज की वाणी को मन में बिठाए हुए और सत्संग नहीं छोड़ रहे उन आम व्यक्ति के, सामाजिक व्यक्तियों के कहने से जिस समाज में हम रहते हैं, तो वो तो है सत्संगी। हाथी हाथ्यस्ति भय माने नी जय स्वान भुकाही, सत्संगी संग ना तजय चतराम बसाही। फिर कहा कि स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, और शीश महल ने देख के यू भौंक भौंक मर जाही। शीशे के महल का आगे कुत्ते ने खड़ा कर दे, सांझ तई मरकट है उड़े माड़ा है उन जागा फेरा होगा, फिर भौं 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 दूर देखे जागा सामने तो भी भौं भौं करता दिखे तो वो शाम तक मर सकता है, तो भौंक भौंक मर जाए। ये समाज भी आपको दो चार दस बार कहेगा रे ओका भी छोड़ दिया, तड़कर रोटी भी छुटाओगे तेरी, तो कहीं जाओ कति नहीं गोले। और जब 10-5 साल में जब ये आपका प्रफुल्लित होगा, फलीभूत होगा सत्संग तथा धर्म, और ये नाम आपके घर में जो सुख होगा रोजाना का, वह खड़े खड़े देखा करेंगे। आपको सत बताऊं, एक औरत विधवा होगी और उनके पड़ोस में एक महाराज कबीरपंथी साधु आकर रहने लग गया। वह उसकी उन्हें सोची और तो साधन कुछ है नहीं, बुढ़ महाराज की सेवा कराऊं। वह उसमें उनके पास जान लागी, रोटी का टूका की दूध की पानी का, छोटे छोटे बच्चा ने भी ले जा अपने, और समाज उसके अड़ोसी पड़ोसी भाईचारा चाचे उसके तीतसरे और दोहना जेठ देवर लाठी ठाव रोज वह पीटी भी कुछ भी कराने वाली, मैं अपने उद्देश्य से नहीं छोड़ सकती क्योंकि सत्संग ज्ञान हो गया उसको। आज उसके तीनों लड़के नौकरी लगे हुए और दूसरे के पागल होंगे हंड, आपको प्रमाणित बता सकता हूं, ये गांव घर में नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो हमारे रिश्तेदारी में पढ़ते हैं। तो भाव ये है कि आज उसका तो वो सुख हो रहे, तीनों लड़के नौकरी पर बहुत सुथरा काम चल रहा है, अर्जुन से चौधरी पाक रहे थे आज उनके लड़के, वो पागल हुए हंड से कई तो उनमें और नेपाली लागे फिर। तो ये सत्कर मान लेना, देखो न्योता सैनिक आज बीज बोया सर तड़के उसका बाल लाग जाएंगे, ईसा तो आज तक ना हुआ ना होया। जब गेहूं की फसल इतनी मेहनत मांगे है और फिर वह हुआ से, इसी प्रकार हमने विश्वास रखना होगा कि होगा तो इस विधि से जो हमने ये अपना राखी से। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं जन रह दास कबीर कमाला, धरु पर लाद और कबीर कमाला रहे निशान घुराई, दास गरीब चरण का चेहरा भाई शब्द है शब्द समाई। यानी नाम लेके और नाम का छक्का सुमरण कर ले, उस नाम से आप उस सार शब्द में समा जाओगे, शब्द रूप हो जाओगे, यानी शक्ति आप में पूरी हो जाएगी, और जब पूरी शक्ति यानी शब्द रूप हो जाओगे तो सतलोक पहुंच जाओगे। दास गरीब गलतान शब्द शब्द समाई। तो इस प्रकार सत्संग सुनाया गया कि भी परमात्मा के नाम के बिना, कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है जिसका रोम रोम धन हो, और नाम खाली सांस खाली नहीं नाम बिना वो छत्रपति है सो। कबीर साहब कहते हैं कबीर सब जग निर्धना भई धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। फिर बताया कि गरीब सत्संग के अंदर हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। सत्संग में बताया कि मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा जसरे। कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वह जम के पड़े जंजीरम। रावण के से ठाठ शायद किसी के होंगे, और एक पलक में राज से विराज हो जाना, बिन विहीन हो जाना, यानी राज से विहीन हो गया और कुत्ते की मौत मरा और नरक में गया। अब यहां कई भाई न्यो कहे हैं कि रामचंद्र जी आना रावण मर गया था उसके हाथ में, और न्यो कहे वो स्वर्ग में जा, क्योंकि हे कहता रावण की अपनी वाणी कि मेरा बहुत अच्छे भाग से मैं आपके हाथ में मरिया और स्वर्ग में जाऊंगा। तो बंदी छोड़ने कहे ये सब भूल भुलैया से,
अगर राम के हाथ ते स्वर्ग मिलता तो सबसे पहले अपने कुंडबेन मारो। रावण ने की जरूरत थी उसको मारकर इसे बुंडे को बुद्धि नर स्वर्ग में भेजा। तो बात यह है कि हम अपने हिसाब से अपने सेटिंग कर रखी है, बंदी छोड़ने सारे पवाड़ से पाड़ रखे हैं, परंतु हम इनको क्रिटिसाइज समझते यथार्थ बात को। तो फिर क्या हुआ कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। फिर कह उदय अस्त भी चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, और चुनक ऋषि सर कलप करी तब खोज न पाया राई। एक चक्रवर्ती राजा था चकवे बैन, सारी पृथ्वी पर राज्य था, और कुबद उठी कि घोड़ा छोड़ दिया मेरे घोड़े ने, जो पकड़ेगा उसको सा उसने युद्ध करना होगा। बेहतर अक्षौणी सेना कौरव पांडवा की दोनों की 18 अक्षौणी थी उसकी अकेले की, बेहतर अक्षौणी बताते हैं। कौन छेड़े इसे बूंडे झगड़े मपा कौन दे, किसी ने नहीं पकड़ा, घोड़ा वापिस आ रहा था, साथ में सिपाही थे, फौज थी। चुनक ऋषि पूछने लगा भाई कहां गए थे, किस उद्देश्य से घूम रहे हो। वो कहने लगे कंगाल तेरे बस की बात ना है, तेरे मतलब का सौदा ना, यू राजा का खेल से। अब चुनक ऋषि इस बात ने महसूस कर गया कि ये तबाभिमानी बहुत हो गए, सूर सिर बोलते भी नहीं। बोले भाई कि फिर भी पूछते लिया है करें, ऐसा के जुलम हो गया। एक बोला उनमें से फौजियों में तय कि हम सारा घूम आए हमारे राजा का युद्ध किसी ने नहीं उठा। तीसरा कहने लगा कि युद्ध कैसे उठे जाड़ फोड़ दिया, यानी जब ओड़े लागे जब ये वचन लिखड़ा करें। राजा ने सोचा कि कतियत पाक के अभिमान इनमें पूरा जामा हो गया। न बोला भाई मन ने पकड़ लिया यू घोड़ा और युद्ध उठ लिया। न बोले रा कंगाल तेरे बदाने खाने नहीं, और युद्ध चक्रवर्ती राजा चकवे बहन का अखा बांध दे घोड़े नठे बांध दिया, तो उड्डा टो हुए थे बांध के। न बोला इतरी समारांग एक बजा लेने दे राजा दो राम अगजा भाई, बांध के घोड़े के ने वृक्ष कर चले जाते हैं, राजा से बताते हैं। राजा उन तभी को बद्दी उन्हें सोची कि आज तेरे घोड़े ने एक न पकड़ लिया तड़का दूसरे की भी मत होगी। 18 अक्षौणी सेना भेज दी उसे एक व्यक्ति को मारण खातिर, दो चार भी बतेरे थे, 18 अक्षौणी अक उसने कति खत्म कर दो डुंगारे बजा दिए मार के रखे के पगन तार दिया। राजा कहते हैं उस चुनक ऋषि ने चार पुतली बनाई, एक छोड़ दी कहते 18 अक्षौणी का तर्पण करगी। फिर इस प्रकार चार टुकड़े बना रखे थे राजा चकवे बहन ने, चारों के चारों चार पुतलियां ने खत्म कर दिए और वो राजा भी नष्ट हुआ। कहते उदय अस्त, उदय के सूर्य निकले, अस्त जहां छपे वहां तक राज्य था, अर्थात सारी पृथ्वी पे। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि सर कल्प करी फिर खोज ना पाया राई। ईशे ईशे होकर चले गए बिरा बिना नाम के कुबद्दी, चाहे कितना सारी सृष्टि का राज्य हो जाओ, संत उसको कुबद्दी कहते हैं। कुबुद्धि पे जिनको बुद्धि अच्छी नहीं होती उनको कुबुद्धि कहते हैं, जो सतमार्ग नहीं पकड़ते। फिर बताया कि 11 अक्षौणी संग चले थी, दुर्योधन से राजा होते संग इकोत्तर भाई। कदे को नो सोचा बड़ा परिवार हो जा, लठानिए 5-7 गांव न मोल ले लिया, आखिर में ऐसी दुर्गति हुआ करे जो कर दुर्योधन की हुई। कि 11 दुर्योधन से राजा होते संग इकोत्तर भाई, और 11 अक्षौणी संग चले थी, फिर देही गीद ना खाई, उस दुर्योधन की देही को गीदड़ा ने भी ना खाया, यानी गीदा ने भी नहीं खाई, पशुओं ने भी नहीं, पक्षियों ने नहीं खाई। क्यों नहीं खाई, इतना नीच हो चुका था वो, पक्षियां का भी काम नहीं आया, उसकी मां की दृष्टि से शरीर पत्थर का हो गया था, बज्र का हो गया था, अर्थात तो उसको खा भी नहीं सकते थे। इतना भी गुण नहीं लेकर गया पुनवो के कोई पशु पक्षी खाकर दुआएं दे देता, यो पुन भी उसने मिल जाता। फिर कहते हैं कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, और एक पुत्र उत्तानपात का परमात्म पद पाए। एक भगत था उत्तानपात का, उसके बाप का भी नाम रोशन, और व्याजी सूर्य वस्तु को और उपाधि को उसने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार भक्ति और ना भक्ति करने वाले के गुण बताते हैं। फिर आगे बताया कि हाँ
प्रहलाद कहते हैं राम नाम प्रहलाद पढ़े था हरणा कुछ नहीं भाई, राम नाम प्रहलाद पढ़े था हरणा कुछ नहीं भाई, और नरसिंह रूप धरे नारायण फिर खंभ पाड़ काए। अर्थात भगवान की भक्ति कोई तो करता नहीं, करण लाग जाता फिर हम करण नहीं देते। एक आदमी लाग जाएगा तो और लाठी ठा लेगी, क्योंकि गीतों तो रोज सत्संगी हो गया तेने, तो बालक पढ़ने से एक नहीं पढ़ने से तो किसा होया, रोज सत्संग मारू सर फिर बैठ जा किताब लेकर। कईया ने तो ऐसे प्रमाण दिया, ने बोली मैं कुएं में पड़ जाएंगे, जा तू पढ़ेगा तो किताब, उसने भक्ति छोड़ दी। एक बताओ था ने बोला जी अच्छा मुकदमा मेरे जी ने तो घर और उजड़ेगा। मैं कहा भाई ठीक है तेरे खोटे लाग रहे हैं, कितना उजड़ा तो ला गया रहे। तो बात ये है, और जब आदमी लाग जाए औरत लाग जाए तो आदमी ने जी तो मार दूंगा, जब तो बाहर लकड़गी तो या मतलब कार्ड ने पूरी व्यवस्था बना रखी, भजन ना कर लो और चाहे कुछ भी करो, ये गुंडे गीत गाओ बहु अपने घर चाहे किसी पड़ोस का जाकर गाया हो नाचे जाओ, पर सत्संग में नहीं चला था। काल ने बेरास है कि एक बार यू भक्ति पर लाग गया तो तेरे हाथ से निकल जाएगा, सतगुरु की शरण में पहुंच गया बंदी छोड़ की। मैं क्यों सत्संग में जानिया कदे न कभी ठहर जाएगा, जो घर ते नहीं निकलेगा तो जागा की थे। तो आम सत्संग में भी रोक दे सो, और सतगुरु वाले मन तक करड़ी आगे जो है ना पूरी फाटक बंद करे से, चांदे वन भी जीव नहीं निकल सकता। उपदेशी हमारे है ना उनको भी रोकने की कोशिश कर जाए, नो विचार करें जाएंगे तुड़को दियो खाओगे परसों दियो खाओगे, और उड़ा चाहे उससे ज्यादा दुखी हुआ रहा वो न सोचा नो काम कई जान बताई न बोले जी हमने हरकत करी थी एक दिन, सोची तुड़क जाएंगे। एक रिश्तेदार आ गया न बोला चार दिन में पांडा छोड़ गया, उड़ा चाल मरी मेज खूरी से उसके लांडे गया, दो रत किराया भी भरया, और चौथे दिन आया रोटी पलत खुआंदा उसने। उस दिन पाछे ने बोला मैं तेन सोचू भाई बंदी छोड़कर इन चाल के मैं यू तो पांडा छूटे ना, तो और को आओगा के लड़ या नो की न्यू बनाए कूड़ा हंडे जाएंगे राजी होगा, पर सतगुरु शरण का नहीं चाल सकते। यहां तो बहुत भगवान जीव आओगा बहुत सुथरे कर्मों का, ये सतकर मान लियो आज आपने बात चाहे अच्छी लागो चाहे मत लगे। तो फिर बताया कि नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई जैसी काल बताई थी, और एक पलक में देवल फेरा व मृतक गऊ जवाई। तो इस प्रकार आगे बहुत लंबा प्रमाण है। फिर महाराज बताते हैं कि काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, जहां के सौ बणजारा उतरा नौ लख बाड़ दाई, जो सिकल आपको बताई थी कि भंडारा किया था नौ लाख बैला का ऊपर केसो नाम का बणजारा और एक गुण भर भर लिया था, और तीन दिन तक 18 लाख व्यक्ति जिम्मे थे। तीन दिन रात जब वो बन जा रहा, तो ये शब्द हम रोज गाते हैं वो इस समय गाते हैं, आया है बनजारा केसो आया, काशी लाया माड़ पारा केसो आया है, आया है बनजारा केसो, नौ लख बॉडी भरी दिसंबर, नौ लख बॉडी भरी दिया कबीर भंडारा केसो आया है, आया है आया है बन धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू चौपड़ के बजारा केसो आया है, आया है आया कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बंदा नवारा केसो आया है, आया है आया अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत कित उतरी जल धारा केसो आया है, आया साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई कांसे नगर मंजारा केसो आया है, आया है
दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से आप अलख कर तारा के सब आया है, आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप आप अलख कर तारा के सब आया है, आया है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया कि मंदा हो गया भाई। इस प्रकार कहते हैं कि काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, जहां के सौ बणजारा उतरा नौ लख बालद आई, नौ लाख बालद आई। फिर महाराज कहें कि नौ लख बालद आई, फिर कहें कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। कनक सोने का, जैसे आपको कल रविदास जी के बारे में बताया था, सोने का जनेऊ अपने कंधे में दिखाया, जहां पर 700 ब्राह्मणों ने महाराज की रविदास जी के चरण दिए और शिष्य हो गए थे, और सवामन जनेऊ तोड़ा था जो कच्चा सूत बांध रहे थे अपने गला में उनको तोड़ के गिर दिया और यथार्थ मार्ग पर लाग गए। यानी ज्ञानी इनको कहते हैं, वो यथार्थ में ब्राह्मण थे, वो पंडित थे, जिनको ये बात समझ में आ जाए वो विद्वान होता है कि भाई इस बिना काम नहीं चलेगा, ये दो दिन के चोचले से, तो विद्वान कहलाते हैं, वो पंडित कहलाने के अधिकारी हैं जो बात में समझ जाए। तो कहते कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा, दास गरीब कौन गत पावे वो मग हर मुक्ति बिलासा। कि उस बंदी छोड़ कबीर साहब की कौन महिमा जान सके जो मगहर में जाकर, जहां पर भगत जन पंडित जन न्यों कहा करते वहां मरने वाला नरक में जावे, वहां जाकर बंदी छोड़ सतलोक में गए। तो दास गरीब कौन गत पावे मग हर मुक्ति विलासा, कि मुक्ति का जो सुख वो मगहर में जाकर मुक्ति पाए और वो सुख विलास किया। तो इस प्रकार सत्संग में बताई जाती है। फिर क्या बताया जाता है, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं। ये कभी घट जाए कभी बढ़ जाए कभी मंद हो जाए। मानत ना मन मोरा सा, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जी रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जी। इस काया का गर्भ न कर के काला के गोरा रे, इस काया का गर्भ न के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे ऐतर छेड़ को चारों ओरा रे, बिना भजन कुछ चाहे ऐतर छेड़ को चारों ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये इस माया का गर्भ न कर के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्भ न के हाथी के घोड़ा रे, बिना भजन जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में।
दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आईन में लो सतसंग करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आईन में लो सतसंग करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में शरण पड़ी को गुरु संभाल जान कबाड़क बोला रे। शरण पड़ी को जान कबाड़क बोला रे। कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। ए मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन। अभी आपने सुना कि इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे। ये कुछ सौदा नहीं बिरा बंदी छोड़ बताओ है कि ये काल ने हमें ऐसे। अभी काल के बारे में जानकारी देंगे आज आपको समय रहा तो। जब ज्ञान होगा कि हम कीतोड़ जे बैठे हैं इस काल ने हमें बड़ो रख्या से या चामड़ी भूरी और काली रंग के ऊपर तें थोड़ा सा रंग कर रखा है किसी का काला किसी का गोरा और भीतर इसमें एक सा कुबाड़ है चाहे वो गोरा से चाहे काला से। क्या इसमें भरिया पड़ा से कुत्ता मरिया हुआ देखा मैंने एक्सीडेंट के अंदर। आप भी देखते हो रोजाना आंत उसकी इतनी दूर तक खिंडती जा रही और उसका चमड़ा जो है जमीन पर सड़क पर जो जमया हुआ पहियों से या तो मतलब यातायात की और यू एक कबाड़ अपने अंदर से ज्यो का त्यों कति फर्क नहीं पर ऊपर ते इसे बड़ो रखे हैं कि इतना प्यारा शरीर ओए हो चला गया तो बेरा ना त्रिगेल के बनेगी यू भय बाढ़ रखा। ये भी बस की बात नहीं क्योंकि ये कि ये जीव इस किसे रहित नहीं हो सकता जब लग पूर्ण श्रम की शरण में आकर भक्ति का प्रभाव इन विकारों ने दबा नहीं देगा तब यू निर्भय होने लगेगा और चेतनता आवेगी यथार्थता का ज्ञान होगा कि एक दिन जाए तो सरे से बिरा रोले चाहे पीटने।